बैनर कमचार यूट्यूब चैनल रूपस कॉर्नर में आवर मींस मैं और आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं कोई मेकअप वीडियो आपके साथ नहीं शेयर करूंगी, मैं आज स्किन केयर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जो कि एक फेशियल वीडियो होगी जिसे करके आप पा सकते हो ब्राइटनिंग ग्लोइंग क्लियर स्किन। मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया है आप लोगों को लग रहा है, लेकिन बिलीव मी गाइस, आप सच में ये फेशियल करके आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एंड क्लियर दिखेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो दुर्गा पूजा बस अभी अभी गया है, दिवाली आने वाली है, तो दुर्गा पूजा में हम मेकअप करने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए इतना बिजी थे तो हम स्किन केयर ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। तो दिवाली आने वाली है तो इस टाइम में हमें में ग्लो चाहिए, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही पा सकते हो ब्राइटनिंग ग्लोइंग क्लियर स्किन। और मैंने ये फेशियल करने में जो जो चीज़ें इंक्लूड किया है आपको बाहर जाकर परचेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको घर में ही इजीली वो चीज़ मिल जाएगी और इजीली आप इससे फेशियल कर सकते हो। और मैंने भी अभी अभी ये फेशियल करके ही वीडियो शूट करने बैठी हूँ। देखो अभी मेरा फेस में कुछ नहीं है, सिर्फ लिप बम मैंने अप्लाई किया है एंड मेरे आईब्रो मैंने किया है। देखो मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लोइंग दिख रही है, कितना ज़्यादा क्लियर दिख रही है। तो गाइस चलो देख लेते हैं मैंने ये फेशियल कैसे किया है। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ जो रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑलरेडी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेशियल में जो पहला स्टेप होता है वो है फेस क्लींजर, मतलब हमारे फेस को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, फेस पर जितना भी डार्ट है, जितना भी पॉल्यूशन है उसे पहले अच्छे से क्लीन करना होगा। तो यहाँ पर मैं फेस क्लींजर रेडी करूँगी जिसके लिए मैं ले रही हूँ, पहले मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर। आप यहाँ पर 2 चम्मच रोज़ वाटर ले लो, फिर उसके बाद मैं विटामिन ई की 2 कैप्सूल उसमें डाल दूँगी रोज़ वाटर में। देन उसके बाद मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच हनी, फिर हम सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम कॉटन पैड में इसे डिप कर देंगे और इससे हम अच्छे से हमारी फेस को क्लीन करेंगे। गाइज बिलीव मी, इससे आपकी फेस बहुत अच्छे से क्लीन होगी एंड आप इसे एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो। आप फेस के साथ साथ नेक को भी क्लीन करो, नेक को मत इग्नोर करो, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम नेक को इग्नोर करते करते हमारा नेक बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और हमारे फेस की जो शेड है और नेक की जो शेड है वो अलग हो जाती है। इसलिए जब भी किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट आप अप्लाई करते हो फेस एंड नेक दोनों पर ही अप्लाई करो। जो मैंने ऐड किया है उसके अलावा आप इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल या एलमंड ऑयल जो आपके पास है वो आप ऐड करो, देन उसे मिक्स करके आप एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपकी मेकअप रिमूव हो जाएगी। आप चाहो तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना कर रख सकते हो, फ्रिज में स्टोर कर सकते हो 2 वीक्स के लिए। आप इससे आपकी मेकअप रिमूव कीजिए, स्किन पर कोई हार्म भी नहीं होगी एंड आपकी जो मेकअप है वो भी बहुत अच्छे से रिमूव होगी। तो हमारी फेस अभी अच्छे से क्लीन हो गई है। तो गाइस फेस अच्छे से क्लीन हो जाने के बाद अभी हम करेंगे स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैं ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है शुगर पाउडर, मैंने यहाँ पर 2 स्पून शुगर पाउडर लिया है। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप घर में ही चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसे पाउडर बनाकर भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी 2 स्पून कॉफ़ी पाउडर एंड लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। आपको इसमें पानी नहीं डालना है, आप कोकोनट ऑयल ही ऐसे डालो ताकि शुगर पाउडर एंड कॉफ़ी पाउडर अच्छे से मिक्स्ड होके एक स्क्रब की जैसी पेस्ट बन जाए। देखो अभी ये बिल्कुल स्क्रब जैसी रेडी हो गई है। अभी हम इसे फेस में अप्लाई करेंगे, जैसे हम स्क्रब करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको स्क्रब करना है। गाइस कॉफ़ी बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट का काम करता है एंड आपकी जो डेड स्किन सेल्स है उसे भी अच्छे से रिमूव करती है एंड कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये प्रीमैच्योर एजिंग को भी रिड्यूस करती है। लेकिन गाइस इसे आप
जोर जोर से रब मत करो, बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रब करो, क्योंकि ये आपका ही स्किन है, तो ज़्यादा हार्शली मत स्क्रब करो, इससे स्किन डैमेज भी हो सकती है। तो एकदम हल्के हाथों से आप स्क्रब करो। जैसे आप चाहो तो पूरे बॉडी पर भी आप स्क्रब कर सकते हो। नाक के ऊपर भी आप ऐसे रब करो हल्के हाथों से, ताकि आपकी नोज में जो व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स है वो भी रिमूव हो जाए। शुगर पाउडर आपकी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है, सन डैमेज से ये ट्रीट करती है, एंड कोकोनट ऑयल आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, एंड स्किन में एक नेचुरल ग्लो भी लाते हैं। तो गाइज देखिए स्क्रबिंग के बाद मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन दिख रही है, एंड कितना ज़्यादा सॉफ्ट भी फील हो रही है। आप इसे एक बार स्क्रबिंग करके ज़रूर देखना गाइस, बिलीव मी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर दिखेगी आपकी फेस। तो स्क्रबिंग के बाद अभी हम अप्लाई करेंगे टोनर। टोनर के लिए मैं ले रही हूँ ये है पोटैटो जूस, मतलब आलू के रस। आलू को मैंने छील कर अच्छे से धोकर फिर ग्रेटर से ग्रेट करके फिर छन्नी की हेल्प से मैंने ये जूस निकाल लिया है। ये मैंने 4 चम्मच आलू का रस लिया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस, एंड लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड कॉटन पैड की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे। गाइस आप चाहो तो फेस के साथ साथ आप ये आपकी अंडर आर्म्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी अंडर आर्म ज़्यादा काला है, ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो इसे अप्लाई करके वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा। गाइस लेमन में विटामिन सी होने के वजह से आपकी पिगमेंटेशन या ब्लैक स्पॉट्स को ये रिड्यूस करता है, एंड आपकी कॉम्प्लेक्शन को भी लाइटन करती है। ये अप्लाई करने के बाद जब भी ये ड्राई हो जाए फिर आप अप्लाई करो। इस प्रोसेस को आप मिनिमम 3 टाइम्स तक करते रहो, इससे आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगी। गाइस पोटैटो जूस में एक नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से आपकी स्किन को टाइटन करती है, टैन रिमूव करती है, आपकी डल स्किन को ग्लोइंग बनाती है, एंड रोज वाटर में एंटीजिंग प्रॉपर्टी होती है, आपकी स्किन इरिटेशन को ये सूदन करती है, एंड आपकी स्किन में जो रेडनेस हो जाती है उसे भी रिड्यूस करती है। तो हमारे फेशियल की लास्ट स्टेप है फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच आटा, 1/2 चम्मच कस्तूरी हल्दी, एंड लास्ट हम ऐड करेंगे दही। दही से ही हमें इस पेस्ट को बनाना है, हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है इसमें। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब देखिए अभी हम इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे एंड साथ साथ नेक पर भी अप्लाई करेंगे। बेसन आपकी स्किन की कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन पर जो एक्सेस ऑयल आता है उसे कंट्रोल करता है, सन टैन रिमूव करती है। आटा यहाँ पे आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देंगे, एंड आपकी जो एक्ने प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करती है, आपकी जो डार्क स्पॉट है उसे रिड्यूस करती है, एंड आपकी कॉम्प्लेक्शन को भी लाइटन करती है। और कार्ड यहाँ पर आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, एंड कार्ड में लैक्टिक एसिड होने के वजह से आपकी जो डेड स्किन सेल्स है उसे भी अच्छे से रिमूव करती है, एंड कार्ड में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के वजह से आपकी जो एक्ने स्कार्स है उसे फेड करती है, एंड स्किन में एक ग्लो लाती है। फिर इस पेस्ट को हम सेमी ड्राई होने के लिए टाइम देंगे, देन उसके बाद हम नॉर्मल वाटर से इसे क्लीन कर लेंगे। तो गाइज मैंने फेस पैक क्लीन कर लिया है, अभी देखो मेरे फेस पर कुछ नहीं है, लेकिन कितना ज़्यादा क्लीन, क्लियर, स्पॉटलेस एंड ग्लोइंग दिख रही है मेरी फेस। तो इसके बाद हमें फेस को मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई क्रीम या कोई फेशियल ऑयल या सिर्फ एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हो आपकी फेस के ऊपर। मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ।
सो गाइस, इस बार दिवाली पे आपको टाइम एंड पैसा दोनों ही खर्च करके पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। आप घर पे ही पार्लर जैसा बल्कि पार्लर से भी अच्छी केमिकल फ्री फेशियल कर सकते हो एंड यू विल गेट अ ब्राइट ग्लोइंग क्लियर स्किन। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।